नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीएमजे मोटो के एक और फ्रेश ऑटो न्यूज एपिसोड पर। दोस्तों खबर की शुरुआत करते हैं टू व्हीलर मार्केट से, और पहली खबर या लीक कह सकते हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से आ रही है, जो उसकी अपकमिंग हिमालयन 450 है। उसकी काफी क्लियर हमें एग्जॉस्ट नोट और उसकी एक फुटेज आई है जो अभी हम आपको दिखाएंगे। तरीके से दिखती है और आवाज करती है आने वाली 450 सीसी लिक्विड कूल्ड रॉयल एनफील्ड की इंजन, जो कि एकदम ज्यादा लॉन्ग स्ट्रोक भी हमें सुनाई नहीं देती है और बहुत ज्यादा शॉर्ट स्ट्रोक भी नहीं, कहीं बीच की ये साउंड कर रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको इसकी आवाज कैसे लगी। वैसे जानने वाली बात यह है कि रॉयल एनफील्ड इस इंजन के साथ 5 बाइक्स लॉन्च कर सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ हिमालयन 450 को लेकर के, बिकॉज जो अभी एग्जिस्टिंग हिमालयन है उसमें क्रूजिंग स्पीड हमें शायद ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें ज्यादा पावर और ज्यादा बेहतर क्रूजिंग स्पीड मिले। ओला क्लेम कर रही है कि वो मार्च 2023 तक पूरे इंडिया में 500 अपने आउटलेट वो ओपन करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अभी फिलहाल पूरे इंडिया में इनकी 200 आउटलेट है, और खास बात यह है कि ये टारगेट करने वाले हैं टियर 3 और टियर 4 सिटीज को भी। तो अगर आप कोई टियर 3 या टियर 4 सिटीज में रहते हो तो भी आप ओला को फिजिकली जाकर देख सकते हो और उसे परचेस कर सकोगे मार्च 2023 के बाद। एम्पियर प्राइमस ई स्कूटर लॉन्च हो गया है 1,10,000 की एक्स शोरूम कीमत पर। इस ई स्कूटर में जो मोटर लगा हुआ है उसकी जो पीक आउटपुट है वो है 4 किलोवाट, और ये बेल्ट के द्वारा जाता है रियर व्हील पर। एम्पियर क्लेम करती है 77 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड और क्लेम्ड रेंज 107 किलोमीटर सिंगल चार्जिंग। यामाहा ने अपने एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल लाइनअप को कर दिया है अपडेट। अब उसमें काफी सारे न्यू कलर वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स हमें R15, MT15, FZ जैसे बाइक्स पर भी अब देखने को मिलने वाला है। टाटा हारियर और सफारी की जो A-डैश वाली मॉडल है उसके लिए बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है। A-डैश जैसे सेफ्टी फीचर के साथ में अब इसमें पूरा नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी अब देखने को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, ये थे इस वीक के कुछ ऑटोमोटिव न्यूज। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीकेंड कुछ और ऑटोमोटिव न्यूज के साथ। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबल। दिस वॉज रवि उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।